अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप अहमर कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम अरसलान अहमर है। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त नक्शा लेकर आए हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो 41 फुट है, 41 फुट इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी जो है 32 फुट है। तो हम इस वीडियो में अभी ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने बेडरूम आएंगे, तो बाथरूम कितने आएंगे, किचन किधर आएगा, पोर्च वगैरह किधर आएगा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या होगी। तो मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की कोई भी हम नई वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप देख सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, ये है हमारा नक्शा। इसकी चौड़ाई 32 फीट है, 32 फीट इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई इसकी 41 फीट है, 41 फीट इसकी लंबाई है। तो ये हमारा ये हमारा 1312 स्क्वायर फीट ये एरिया बन जाएगा इस प्लाट का। ये तकरीबन जो ना 5 मरला बनता है। तो हमने गेट उसका जो ना इस साइड में गेट, ये गेट रखा है, ये हमारा गेट है, इधर हमने गेट रखा मेन गेट, ये हमारा मेन गेट है। ये हमारा मेन गेट आ गया। तो मेन गेट के बाद हमारा जो है ये कार पोर्च है, कार पोर्च, कार पोर्च की हमारी जो चौड़ाई है वो 12 फीट आ जाएगी और इसकी लंबाई 17 फीट है। तो इधर से ही कार पोर्च से ही हमारी जो ना इधर से सीढ़ियां ऊपर जाएंगी, ये ऐसे हमारी सीढ़ियां ऊपर जाएंगी, इधर से आप होंगी कार पोर्च से ही हमारी सीढ़ियां ऊपर जाएंगी। तो उसके बाद जो हमारा मेन डोर है टीवी लॉन्च में जाने के लिए, ये हमारा हॉल हो जाएगा, है टीवी लॉन्च हो जाएगा। तो ये हमारा हॉल है, ये मेन गेट है, बड़ा मतलब डोर है इसका, बड़ा डोर लगाएंगे डबल इसका ना, तो इधर से हमारी एंट्री होगी। तो ये हमारा हॉल है। तो इसकी हमने जो चौड़ाई है वो 15 फीट रखी हुई है, 15 फीट इसकी चौड़ाई है। तो इसकी लंबाई जो है ये 13 फीट है। उसके बाद इसमें हमारा जो ना किचन है, अगर आप ओपन किचन रखना चाहते हैं तो ओपन किचन कर लें। तो हमने जो ना ओपन किचन एक साइड का 10 फीट रखा हुआ है और एक साइड का 9.5 फीट का, 9 फीट 6 इंच। तो किचन का वैसे तो हमने इधर ही डोर रखा है, अगर आप ओपन रखना चाहते हैं ओपन रख सकते हैं। तो किचन के लिए जो ना हमने विंडो जो ना ये छोड़ी है इधर, ये कार पोर्च में विंडो हमने जो ना छोड़ी है। तो उसके बाद जो ना ये हमारा ये बात हो जाएगा, एक डोर आप जो ना इसको हाल में डोर, एक डोर रख ले बात का, और एक जो ना ये साथ हमारा ड्राइंग रूम होगा। तो ये हमारा बात है, ये बात है, काफ़ी बड़ा बात है, अगर आप डबल करना चाहते हैं तो डबल भी कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है 5 फीट है और लंबाई इसकी जो ना 13 फीट है, ये बात की। तो उसके साथ ही हमारा ड्राइंग रूम आ जाएगा, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम। तो 12.5 फुट जो है इसकी चढ़ाई हो जाएगी, 12.5 फुट इसकी चढ़ाई हो जाएगी और लंबाई इसकी जो ना 13 फीट हमने रखी है, 13 फीट।
तो एक डोर हमने जो है ना बाहर वाली साइड में, रोड वाली साइड में, ये हमारा रोड होगा, ये ऐसे हमारा रोड है। एक जो ना इसका डोर हमने रोड वाली साइड में रखा है और ये इसकी विंडो एक रखी हुई है रोड वाली साइड में। तो ड्राइंग रूम का एक डोर जो ना हमने हॉल में निकाला हुआ है। तो उसके साथ ही हमारा जो ओपन आ जाएगा, ये हमने साइड में ओपन छोड़ा हुआ है हॉल की जो ना, इधर हम विंडो वगैरह के लिए ये ओपन है हमारा, ओपन का ये हमने डोर ओपन का रखा हुआ है और ये जो ना विंडो रखी हुई है। तो ओपन हमारा जो है वो तकरीबन जो ना 3.5 फीट उसकी चौड़ाई होगी। लंबाई उसकी 13 फीट है, 13 फीट उसकी लंबाई है। तो उसके बाद आगे हमारा जो ना बेडरूम आ जाएगा, ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम, ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम काफ़ी अच्छा है जो ना, 12 फुट इसकी लंबाई है, 12 फुट इसकी चौड़ाई है, 12 फिट इसकी लंबाई और 12 फिट इसकी चौड़ाई रखी हुई है। तो एक बेडरूम हमने ये रखा हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है। तो इस बेडरूम की जो ना लंबाई हमारी है वो 12 फिट 9 इंच है, चढ़ाई इसकी 12 फिट है। तो इसके साथ जो ना एक अटैच बाथरूम रखा हुआ है, ये हमारा अटैच बाथरूम है, ये हमारा बाथ है। तो बाथ भी काफ़ी ज़्यादा खुला बाथ है। तो ये हमारा बाथ जो है ना 5 फिट इसकी लंबाई है और 5 फिट इसकी चढ़ाई है। तो पीछे हमने जो ना ये ओपन छोड़ा हुआ है, ये ऊपर से हमारा जो ना खाली होगा वो आगे लिए, ये हमारा ओपन है, ये हमने ओपन छोड़ा है। तो इधर जो ना हमने एक विंडो छोटी लगा दी है बाथरूम के जो ना अभी ओपन में, उसके बाद ये बेडरूम है, इसकी भी हमने विंडो एक ओपन में रखी हुई है। उसके बाद ये दूसरा जो बेडरूम है इसकी भी विंडो हमने ओपन में रखी हुई है। तो ये पीछे ओपन रखना जो ना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए जो ना वो ओपन रखना चाहिए। तो ये हमारा जो ना ये घर का नक्शा, अभी ये देखें हम जो ना इसको, ये हमारी विंडो है, ये हम मार्किंग कर देते हैं, एक विंडो ये आ गई, एक विंडो ये हमारी आ गई, एक विंडो हमारी ये आ गई। तो एक विंडो हमारी ये ओपन में, इस इधर भी हमने एक ओपन छोड़ा है, एक विंडो हमारी इधर है, एक ये हमारा ये किचन है, ये किचन की, ये किचन की हमारी विंडो आ गई। उसके बाद ये एक हमारा ये बाथरूम, इसकी विंडो आ गई, और ये एक हमारा ड्राइंग रूम है, इसकी ये विंडो आ गई। ये हमारा किचन, ये हमारा किचन है, ठीक है। अभी इसका ये डोर, ये हमारा जो ना मेन गेट है, इधर इधर ये हमारा मेन गेट आ गया। उसके बाद जो ना ये बड़ा डोर है हमारा मेन डोर, मतलब हॉल में जाने के लिए, ये हमारा मेन डोर आ गया। तो एक हमारा जो ना ये बाथ का ये डोर आ गया, एक बाथ का हमारा ये डोर आ गया, एक बाथ ड्राइंग रूम का हमारा ये डोर आ गया, तो एक बेडरूम का हमारा ये डोर आ गया, एक बेडरूम का हमारा ये डोर आ गया। तो एक आप इधर जो ना अगर डोर लगाना चाहते हैं या ओपन छोड़ना चाहते हैं ये किचन में, वो भी कर सकते हैं। तो एक ये हमारा जो ना हो गया, ये देखें ये ऐसे हमारे डोर आ जाएंगे। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकान को भी प्रेस कर लें, ताकि हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन के मतलब कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आप देख सकें।
वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।